आज की इस वीडियो में मैं धोती वाली सलवार की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊंगी, उसके साथ ही थोड़ा सा चुन्नटों के बारे में भी बताऊंगी कि चुन्नटें किस तरह से दी जाती हैं। ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर बना रही हूँ। उन्होंने पूछा था कि मैम आपने इसमें आगे किस तरह से चुन्नट दी है और पीछे की तरफ चुन्नटें किस तरह से दी है, तो उनके कमेंट में इसका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इसकी वीडियो जल्दी बनाऊंगी, थोड़ा लेट हूँ उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मली जो हम सलवार बनाते हैं उसमें चुन्नटें हम बीच में देते हैं इस तरह से यहाँ पे, लेकिन धोती वाली सलवार में जो होती है हमारी साइड साइड पर चुन्नट होती है, यहाँ से चुन्नटें स्टार्ट होती हैं। अगर हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो बढ़ते हुए यहाँ तक आ जाती है, लेकिन उसमें बीच से कोई चुन्नट नहीं स्टार्ट होती। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, चाहे आगे हो या पीछे हो, इसमें चुन्नटें यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर वो आगे और पीछे इक्वली जाती है। ओके, तो जो हम धोती वाली सलवार की जैसे कि लंबाई पहले ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारी जो लंबाई है वो 36 इंच की हम सलवार बना रहे हैं। मान लीजिए जो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारी लंबाई है वो 36 इंच है, इस तरह से 36 इंच है हमारी टोटल सलवार। तो इसमें से पहले हमने अपना बेल्ट निकाल लेना है कि हमें बेल्ट कितना लगाना है। तो इसमें मान लीजिए हम 6 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं, 6 इंच हमारा बेल्ट हो गया, ठीक है, 6 इंच हमारा बेल्ट हो गया। तो अब इसमें हम 36 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल 30 इंच आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 30 इंच है, टोटल 31 इंच की सलवार काटनी है, प्लस 1 इंच कर देना है। तो हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की कटेगी सलवार की लंबाई वो 31 इंच की कटेगी इस तरह से। और हमारी बेल्ट 6 इंच है तो 6 प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा काटेंगे, 6 प्लस 2 इक्वल 8 इंच की यहाँ पर हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसे कटिंग करके बताते हैं और फिर आपको हम इसमें चुन्नटें बताएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने पेपर लिया हुआ है, ये हमारा सिंगल है, तो आप मान लीजिए ये हमारा जो टोटल है 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है। मान के चलिए हमने टोटल 2 मीटर का यहाँ पे पेपर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से हमने, आप अपना जो 2 मीटर का कपड़ा है आप उसे इस तरह से फोल्ड कीजिए इस तरह से, और उसके बाद किसी भी एक कॉर्नर से, चाहे यहाँ से या यहाँ से या फिर यहाँ से, किसी भी कॉर्नर से आप इस तरह से उंगली रख लीजिए यहाँ पर, और इसको हम कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया। और अब हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी लंबाई का निशान लगाना है, जितनी भी आपकी लंबाई है। तो इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए हमारा 31 इंच है ये, अगर आपका कपड़ा बढ़ रहा है तो यहाँ पे लंबाई का निशान लगा के आप एक्स्ट्रा कपड़ा हटा सकते हैं इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमने यहाँ पर क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ से नीचे 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा जो हो गया 8 इंच हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे, 2 इंच इस तरफ हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे। 8 इंच इस तरह से आपको क्रॉच एरिया की लंबाई लेनी है और 2 इंच इस तरह से चौड़ाई लेनी है और फिर इसको इस तरह से मिला देना है। और यहाँ पर थोड़ा सा राउंड में ड्रॉ कर लेना, जिस तरह से हम अपना गला ड्रॉ करते हैं, राउंड नेक बनाते हैं, गोल गला, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स तो इस तरह से हमारी धोती वाली सलवार की ड्राफ्टिंग यहाँ पर देखिए पूरी हो चुकी है। अब हमने इसे कट कर लेना है सिंपली। देखिए इस तरह से यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकालेंगे, ये देखिए, और जो ये कपड़ा बच रहा है इसमें हम अपना बेल्ट बना लेंगे। और यहाँ से हमने जो है इस तरह से हमारा ये क्रॉच एरिया हो गया, ये देखिए बिल्कुल। और यहाँ पर जो एक पार्ट यहाँ पर क्लोज है हमारा, इसे हम ओपन कर लेंगे इस तरह से, देखिएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट्स हमारे देखिए इस तरह से है हमारा, ये इस तरह से दोनों पार्ट्स को अलग करना है और इस तरह से हमने रख लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक पार्ट इसका और एक पार्ट इसका इस तरह से पकड़ के इसका क्रॉच एरिया ज्वाइन करना है, और इस तरह से एक पार्ट इसका पकड़कर ये वाला क्रॉच एरिया ज्वाइन करना है। तो मैं आपको पिन लगाकर समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए ये देखिए इस तरह से हमारा ये क्रॉच एरिया ज्वाइन हो गया, और एक क्रॉच एरिया ये है और एक क्रॉच एरिया हमारा देखिए ये है। ये देखिए इस तरह से, और जब हम वापस इसे ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये इस तरह से।
अब मैं चुन्नटों का थोड़ा सा मेथड समझा देती हूँ यहाँ पर कि चुन्नटे हम इसमें किस तरह से दे रहे हैं। फ्रेंड्स इस तरह से जब आप करेंगे तो ये जो बिल्कुल कॉर्नर है यहाँ पर ट्रायंगल जो हमारा है यहाँ से हम इसमें चुन्नटे देंगे। तो इसमें हमने किस तरह से चुन्नटे बनानी है वो देखिए आप ध्यान से, मैं एक पार्ट में समझा देती हूँ, आई थिंक दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर चुन्नटों का मेथड क्या है, यहाँ पर देखिए ये है, ये इस तरह से इस पर यहाँ पे हमने पकड़ा और बिल्कुल उसी तरह से हमने इस तरफ भी करना है, बिल्कुल इसी कॉर्नर पे ये दोनों चुन्नटे हमने बिल्कुल मिलाकर इस तरह से यहाँ पकड़नी है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कपड़ा, इधर से कपड़ा आपको बराबर रखना है और इधर पिनअप कर लेना है और इसी तरह से इधर से भी आपको इस तरह से यहाँ पे बराबर रखना है और यहाँ पर भी पिनअप कर लेना है। ये देखिए ये यहाँ पर हमारे राउंड शेप में चुन्नटे आती हैं। अब यहाँ पर दूसरी चुन्नट हम बनाते हैं, देखिए देखिए इस तरह से एक चुन्नट इधर इस तरह से दिया, अब दूसरी चुन्नट हम इधर भी इसी तरह से देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल राउंड में हमारी जो साड़ी चुन्नटें होंगी आएंगी, कपड़े में और अच्छे से करते बनेगा तो ये इस तरह से, और देखिए ये इस तरह से आप इस तरफ देख सकते हैं और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी चुन्नटे देंगे इसमें, और जितनी भी ज़्यादा भी चुन्नटे आ रही हैं आप इस तरह से इस तरफ करके देते चले जाइए और पीछे भी। तो इसमें हमारा कोई ये नहीं होता कि आगे चुन्नट देंगे या पीछे देंगे, इसमें में हमारा इस तरफ से चुन्नट स्टार्ट होती है, दोनों तरफ ये चुन्नट आगे और पीछे बराबर से जाती है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दोनों तरफ इक्वल कपड़ा फोल्ड होगा, इधर भी हम इसी तरह से कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ चुन्नटें दी हैं और जब आप इसे रेडी करेंगे यहाँ पर जितनी भी चुन्नटें आ रही है आप यहाँ पे इस तरह से देते जाइए और इधर भी, इसे देखिए इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया और इसमें देखिए यहाँ पर हमारे साइड में जो होता है इस तरह से राउंड में हमारी चुन्नटें आती हैं। और अगर आप धोती वाली सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।